एवरी वन वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल और गाइज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर टू को पढ़ेंगे यानी इसका जो नाम है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहा से लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और वहां से वो अपना फूड बना पाते हैं लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते ये क्या है किसी ना किसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए यानी डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं जो हर्बी होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर और जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या है इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे किसके ऊपर प्लांट्स तो ये डिपेंड करता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो लेकिन हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है अब हमारा खाना की ज़रूरत किस लिए होती है हमें खाने की ज़रूरत क्या है अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है तो उसके लिए हमें खाना चाहिए अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज है उस डैमेज को रिपेयर करना है तो हमें खाना चाहिए अगर हमारी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शनिंग होती रहे हमारी बॉडी में तो उसके लिए क्या चाहिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से आएगी फूड से आएगी तो इस इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए फूड चाहिए और फूड हमें प्रोवाइड कर क्या रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स ओके okay. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारे फूड से हमें मिल रहे हैं और ये ही न्यूट्रियट हमें हेल्प करते हैं क्या एनर्जी बनाने में और बाकी हमारे जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो करने में अब डायरेक्टली हम फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। हमने एक चपाती बनाई और ये चपाती हम डायरेक्टली खा लें तो हमारी यूं क्यों चपाती हमारे ब्लड के अंदर घूमेगी नहीं हम इसको ये क्या है ये कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो भी हम फूड खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब या यूटिलाइज नहीं कर सकती वो क्या करती है वो इसको ब्रोक डाउन करती है ठीक है यानी ब्रोकन अगर इसको कर दे ब्रोकन डाउन अगर इसको करें कॉम्प्लेक्स को तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी सिंपलर फॉर्म के अंदर आ जाती है यानी छोटे 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 सिंपलर कंपोनेंट के अंदर वो ट्रांसफर हो गई है तो ये हमारे पास क्या था? ये एक पूरी चेन, थी। चेन मिलके क्या बन रहा थी? एक बना रही थी और, अब हमारे क्या आ गया। आ गया। और इसको हमारी बॉडी जो होगी वो एब्जॉर्ब कर सकती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डाइजेशन है। क्या होता है यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके उसको सिम्पन सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उसको हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डाइजेशन कहते हैं ठीक है अब देखो अगर हम फूड खाना खाते हैं अगर हम फूड लेते हैं तो वो जो टेकिंग ऑफ फूड है वो डिपेंड करता है हमारा पर्सन टू पर्सन एनिमल टू एनिमल सब के अंदर अलग होता है ठीक है जैसे हमारी बीज होती हैं बीज होती हैं या फिर अगर हम हमिंग बर्ड्स की बात करें ठीक है ये हमारे पास हैं हमिंग बर्ड्स हमिंग बर्ड्स जो होती हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करती हैं ये नेक्टार लेती हैं नैक्टार क्या होता है ये जूस होता है हमारे फ्लावर के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है तो ये इसको सक करती हैं और अपना खाना यहाँ से नेकटार से निकालती हैं दूसरे हमारे पास जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग के अंदर जो इन्फेंट होते हैं यानी अभी अभी जो पैदा हुआ बच्चा है तो वो जो बहुत छोटा बच्चा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए तो मदर्स मिल्क उसको चाहिए होता है तो खाना हमारा डिपेंड करता है कब हम कौन सी स्टेज में हैं और कौन है यानी एनिमल्स कौन से हैं वो डिपेंड करते हैं जैसे अब स्नैक है स्नैक के अंदर भी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पाइथन का तो पाइथन जो होगा वो डायरेक्टली पूरे के पूरे एनिमल को एक ही बार में सोलो कर जाता है एक ही बार में वो निगल जाता है उसको लेकिन हमारे पास ये क्या है ऐसा जरूरी नहीं है सभी के सभी ऐसे ही करते है? नहीं सबका अपना अपना अलग तरीका होता है या फिर अगर हम एकटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो खाना कैसे खाते हैं जो भी एनिमल्स या जो भी फूड पार्टिकल अगर पानी के ऊपर तैर रहा होता है उस फूड पार्टिकल को वो खाते हैं तो ये क्या है हमारे पास जो फ्लोटिंग वाले जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लोटिंग फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स खाते हैं तो ये क्या है अलग अलग तरीके हैं कैसे हम फूड को इनटेक कर रहे हैं फूड को खा रहे हैं डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो अब जैसे इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है जैसे आपने स्टार फिश देखा होगा तो स्टार फिश क्या करती है अपना खाना खाने के लिए क्या करती है यानी उसके जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी ऐसी ही शेप होती है स्टार फिश की ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है उसका माउथ होता है माउथ को वो क्या करती है वो ओपन करती है अगर वो कोई भी एनिमल को खा रही है जैसे स्नेल को खा रही है उसके ऊपर क्या होगा एक तो शल भी होता है उस वाला पोर्शन और उसके अंदर हमारा एक सॉफ्ट एनिमल प्रेजेंट होता है ये सॉफ्ट एनिमल उसको खाना है ठीक है ये सॉफ्ट एनिमल किसको खाना है एक स्टार फिश को खाना है तो वो क्या करेगी इस पूरे शेल को तो वो पकड़ लेगी बाकी हाथों से और जो ये माउथ होगा माउथ को वो ओपन करेगी बाहर की साइड निकालेगी और किसको खा जाएगी सॉफ्ट एनिमल को खा जाएगी और जैसे ही उसने ये सॉफ्ट एनिमल लिया अपनी बॉडी के अंदर और इसको सीधा का सीधा अंदर ले जाएगी और माउथ जो होगा वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा तो इस तरीके से वो क्या करेगी धीरे धीरे पहले तो उसको अंदर ले लेगी और अंदर लेने के बाद अब स्लोली उसको डाइजेस्ट करती रहेगी थोड़ी देर थोड़ी देर तक लगी रहेगी उसी के अंदर और वो फिर उसको डाइजेशन के अंदर ले जाएगी यानी जूस वगैरह से करेगी जिससे वो जो एनिमल होगा वो अपना डाइजेशन जो होगा उसका कंप्लीट हो सके और जिसकी वजह से उससे जो भी न्यूट्रिएंट मिलेगा वो स्टारफिश ले सके तो इस हिसाब से इनके अंदर डाइजेशन होता है अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर भी तो डाइजेशन होता है तो वो डाइजेशन कैसे होता है तो डाइजेशन इन ह्यूमन देखते हैं पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ठीक है नॉर्मली जो हमारा फूड होता है वो हम लेते कहाँ से हैं ठीक है मुंह के अंदर हम किसमें से ले मतलब कहाँ से ले रहे हैं हम माउथ से अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं ठीक है दूसरा हमारे पास क्या है उसको फिर डाइजेस्ट कर रहे हैं पहले तो हमने माउथ में खाना लिया खाना लेने के बाद हमने उसको डाइजेस्ट किया फिर उसमें से जो न्यूट्रियट वगैरह में चाहिए थे वो हमने यूटिलाइज कर लिया यानी उसमें से निकाल लिए अब हमारे पास क्या बन जाएगा अनयूज जो पार्टिकल्स होंगे या पार्ट होगा फूड का वो हम क्या करेंगे डेफिकेट कर देंगे यानी अब शरीर से उसको बाहर निकाल देंगे ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन का नॉर्मली यानी ह्यूमन बीइंग ने क्या करना है खाना खाना है माउथ से लेना है खाने को अंदर लेना है फिर उसका डाइजेशन होना है फिर उसका एब्जॉर्पन होगा जो भी मटेरियल उसको चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होने की या फिर वो कह सकते आप जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करो शरीर से बाहर निकाल दो यानी एज अ वेस्ट उसको बाहर निकाल दिया जाता है अगर नॉर्मली अगर हम कैनाल की बात करें कि हमारी जो कैनाल डाइजेस्टिव कैनाल होती है वो कैसी कैसी होती है सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है बक्कल कैविटी आती है जो सबसे टॉप मोस्ट होती है वो होती है बक्कल कैविटी ठीक है दूसरी हमारे पास क्या होती है फूड पाइप बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे हमारे पास क्या आती है फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं ईसो फैगस भी बोला जाता है इसका नाम ठीक है तीसरे हमारे पास क्या आता है उसके बाद स्टमक आता है और स्टमक के बाद हमारे पास क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ये ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारा जैसे डाइजेशन चलता रहेगा पहले बक्कल से स्टार्ट होगा फिर फूड पाइप में आएगा फिर स्टमक में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद हमारे पास कहाँ जाएगा रेक्टम में यहाँ जाएगा ये यह, रेक्टम में और रेक्टम के बाद हमारे पास कहाँ से निकल जाएगा एन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा जो भी जो चीज़ हमारी वेस्ट हो गई है या फिर जो चीज़ हमारी अनयूज है वो कहाँ से निकल जाएगी एन से बाहर निकल जाएगी और इस पूरे को अगर हम इन सबको टोटल करते हैं इन सबको एक साथ रखें तो इसको हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल ठीक है या फिर हम नॉर्मली इसको डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक तो कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डाइजेस्टिव ट्रैक लिखा हो या एलिमेंट्री कैनाल लिखी हो तो आप समझ लो कि ये एक ही चीज है इनका दो नाम है ये सेम ही बात है उन दोनों के लिए अब जो बात आती है कि ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये किससे बना हुआ होता है क्या ये सिर्फ डाइजेस्टिव जो ट्रैक है क्या वही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ होता है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी जो आपने अभी ये सात ऊपर पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक है प्लस उसके अंदर जो एसोसिएटेड हमारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं यानी ग्लैंड्स का, का काम क्या होता है कुछ ना कुछ जूस को सीक्रेट करना और वो जो जूस होगा वो हेल्प कर सकता है हमें डाइजेशन में यानी फूड के डाइजेशन के अंदर वो हेल्प करेगा जितना भी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होगा उसको सिंपल में कॉम्प्लेक्स को सिंपल के अंदर जो कन्वर्ट कर रहा है वो कौन करवा पा रहा है जो हमारे ग्लैंड होते हैं उनका सिक्रीशन ग्लैंड कौन से होते हैं जैसे कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारे पास कौन से ग्लैंड होते हैं जैसे लिवर होता है और हमारे पास जैसे कि हमारे पेनक्रियाज हैं तो ये सारे के क्या हैं ये ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर यानी कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होंगे उनको सिंपल सब्सटेंस में बनाने में ये हेल्प करते हैं अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं डाइजेशन जो है वो स्टार्टिंग से कैसे यानी द माउथ एंड बक्कल कैविटी से हम बात करते हैं द माउथ एंड बक्कल कैविटी यहां से ही हमारा जो खाना है वो अंदर हमारा कहां से जा रहा है माउथ से जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन इंजेक्शन का मतलब क्या होता है यानी वो वाला प्रोसेस जिससे हम फूड को अंदर लेके जा रहे हैं फूड की अगर हम इनटेक कर रहे हैं फूड का तो उसको हम क्या कहेंगे इंजेक्शन है ये प्रोसेस तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इंजेक्शन करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं च्यू करते हैं अपने खाने को टीथ की हेल्प से हम च्यू करेंगे और उसको मकैनिकली ब्रेक करेंगे मेन काम क्या होता है हमारे दांतों का कि हमारा जो फूड होगा उसको मैकेनिकली स्मॉल पीसेस के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर दें यानी डायरेक्टली हमारा ऐसा ना हो कि हमारे सारे जूसेस वगैरह को बहुत मेहनत करनी पड़े ना उस मेहनत को कम करने के लिए हम पहले क्या करते हैं बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं फूड के उसको छोटे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैकेनिकली उनको छोटा बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो हमारे टीथ होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको पता होने चाहिए अलग अलग होते हैं यानी टूथ जो होते हैं ये सेपरेटली सॉकेट्स uh, उनके अलग होते हैं गम्स के अंदर जो सॉकेट होते हैं ये सेपरेट होते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीथ है और उसी के साथ दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे मतलब एक ही सॉकेट के अंदर सारे के सारे फिट होते हैं ऐसे नहीं होते सबके अपने अपने सॉकेट होते हैं तो सेपरेट सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर हमारे माउथ में कितने दांत होते हैं हमारे ब दांत होते हैं बत्तीस दांत ठीक है ये हमारे पास हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि हमारा नॉर्मली हमारे जो दांत होते हैं वो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे हमारे मतलब दांतों के स्ट्रक्चर हैं सिर्फ हम ये देख रहे हैं हमारे जैसे अगर हम अपर जॉ की बात करें तो अपर जॉ में हमारे पास कितने होने चाहिए ये कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन थर्टीन ही बने हैं तो ये तो कम हो गए हैं तो हमें इसको ज़्यादा बनाना है देखो अब हमारा ये जो अपर जो है वो कुछ इस हिसाब का आपका स्ट्रक्चर होता है इतने दांत होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं यानी बत्तीस दांत है तो सोलह ऊपर होंगे और सोलह हमारे कान नीचे वाले जॉ में होते हैं तो हमने ये सोलह बना दिए ये अपर जॉ की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली दोनों में बराबर ही होते हैं ऐसा नहीं है कि अपर जॉ में अलग तरीके के टीथ होते हैं और लोअर जॉ में अलग में नहीं सेम ही होते हैं तो ये जो तीन का सेट होता है ये जो लास्ट वाले तीन का सेट होता है इसको हम क्या कहते हैं मोलर बोलते हैं और ये कैसा होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा ना अलग होता है इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है ये ग्राइंडिंग में हेल्प करवाता है जो हमारा फूड होता है उसको प्रॉपरली ग्राइंड करना हो तो ये कौन करवा पाते हैं हमारे मोलर वाले टीथ करवा पाते हैं आगे वाले जो आपको ये दो दिख रहे हैं ये क्या हैं ये प्री मोलर हैं प्री मोलर टीथ होते हैं यानी ये भी ग्राइंडिंग में ही हेल्प करते हैं लेकिन ये थोड़ा सा कम उनके हिसाब से उनके कम्पेरिजन में थोड़ा कम और इनका जो शेप होता है वो इस टाइप का शेप होता है ये हमारे पास रूटेड स्ट्रक्चर है और ये आपको बाहर जो टीथ दिखता है वो ये टीथ दिख रहा है और ये आपका नीचे का रूट वाला स्ट्रक्चर है जो जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है टीथ का फिर हमारे पास इसके बाद एक जो होता है एक पेयर हमारे पास किसका होता है कैनाइन का होता है यानी ये थोड़े शार्प टीथ होते हैं ये क्या काम करते हैं फाड़ने के लिए कोई भी चीज टियर नहीं है उसके लिए यूज होते हैं और ये जो नीचे के चार बच गए यानी जो फ्रंट वाले चार होते हैं ये क्या क्या होते है? इनसीजर होते हैं हैं इनसीज़र इनसीज़र का मेन काम क्या होता है यानी कोई भी चीज अगर आपको काटनी है तो वो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होगा इनसीज़र का और वो इसमें हेल्प करेंगे कोई भी चीज को काटने के लिए स्टार्टिंग में बाइटिंग के लिए हमारा इनसीज़र यूज किया जाता है और टीयरिंग के, के लिए हमारा कैनाइन यूज करते हैं और प्री मोलर और जो मोलर होते हैं वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं अब जो ये हमारे टीथ होते हैं ये ऐसा नहीं होता कि टीथ हमारे सेम ही रहते हैं, नहीं टीथ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ और एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ मिल्क टीथ कौन से वाले टीथ होते हैं वो वाले टीथ हैं जो हमारे इनफेंसी स्टेज पे आते हैं हमारे यानी दो साल एक साल के बाद जैसे आने लग जाते हैं और छह से आठ साल की उम्र तक वो सारे ऑफ हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं सारे के सारे लेकिन परमानेंट टीथ क्या होते हैं ये मिल्क टीथ के बाद आते हैं और ये हमेशा परमानेंट रहते हैं ये टीथ कभी भी हिलेंगे नहीं सिर्फ कब हिल सकते हैं जैसे हमारे पास ओल्ड एज की वजह से हिल सकते हैं या फिर कोई भी अगर डेंटल कोई डिजीज हो गई है यानी दांत सड़ गए हैं कीड़ा लग गया है कोई भी हुई है। उसकी वजह से ये टीथ गिर सकते हैं या फिर हमारे पास जो ओल्ड एज की वजह से ये जो टीथ होते हैं वो गिर जाएंगे नॉर्मली ये वाले टीथ ऐसे नहीं होते जैसे मिल्क टीथ होते हैं तो गिरने ही गिरने होते हैं ऐसा परमानेंट टीथ के साथ नहीं होता परमानेंट टीथ का मतलब होता है ये रिप्लेस नहीं किए जाएंगे किसी और टीथ के साथ, के सेट के हिसाब से जैसे मिल्क टीथ होता है वो परमानेंट के साथ रिप्लेस हो जाता है ऐसे ही हमारे जो बक्ल कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है सिलाईवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है यानी इसका मेन काम क्या होता है सलाइवा का सिक्रीशन करना ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है और सलाइवा का, का काम होता है जो स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर उस स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करना यानी ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आना यानी शुगर के अंदर इसको कन्वर्ट करने का काम होता है इसका एक और ऑर्गन आता है हमारे माउथ के अंदर वो होती है टंग तो क्या टंग भी कोई काम करती है हमारे खाने के अंदर यानी डाइजेशन में कोई हेल्प कर रही है ट होता क्या है ये एक मस्क्युलर ऑर्गन होता है ठीक है एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन बोला जाता है इसको फ्लैशी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसे हड्डी वगैरह नहीं होती मोस्टली ये मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है और ये कहाँ पे होता है जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसके फ्लोर के साथ अटैच होता है बक्कल कैविटी के जो फ्लोर है उसके साथ ये अटैच होता है पीछे की साइड से अटैच होता है और आगे वाली साइड जो होती है उसकी ओपन होती है इसका काम क्या होता है ये हेल्प किस किस चीज में कर सकता है एक तो हमारे हमारे पास टॉकिंग के अंदर हमें हेल्प कर सकता है टॉकिंग के अंदर हेल्प कर सकता है और हमारे पास क्या है सलाइवा जो होता है उसको मिक्स करना है हमारे जो फूड है हमने जो फूड खाया है उस फूड को हमने च्यू कर दिया दांतों के हिसाब से और लेकिन दांतों के साथ लेकिन अब सलाइवा जो होगा वो मिक्स कौन करवाएगा हमारी टंग वो होगी वो उसको आराम से मिक्स करवा देगी ऊपर से अब हमें सॉलो करने के लिए यानी कोई भी चीज़ अगर हमें कोई फूड पार्टिकल है उसको सॉलो करना है निगलना है तो उसके लिए भी हमारी जो टंग होती है वो हेल्प करती है वो सॉलो करवाने में हमें मदद करती है और हमारा टंग क्या काम कर सकता है वो हमारा करता है टेस्ट टेस्ट जो फूड है उसके अंदर टेस्ट कैसा है वो भी बताता है हमारा कौन है टंग बताता है क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि खाना मीठा है सॉल्टी है या कैसा टेस्ट है वो सारा का सारा हमारा टंग बताती है ये काम होता है नॉर्मली अब देखते हैं हम डाइजेशन जैसे अगर हमारा हो रहा है डाइजेशन तो हमें पता है कि माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन हमारा जो माउथ है वहां से कई बार क्या होता है प्रॉब्लम क्या आती है यानी हमारे जो दांत होते हैं वो सड़ भी जाते हैं तो ऐसा क्या चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर हमारे दांत जो होते हैं वो सड़ते किस लिए हैं या क्या प्रॉब्लम क्या आती है वो किसकी वजह से होती है वो कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और नॉर्मली ये बैक्टीरिया हमारे हमारे मुंह के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते बैक्टीरिया ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर हम जैसे खाना खाया खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं दांतों को क्लीन करते हैं अगर हम टीथ को क्लीन ना करें क्लीन ना करें तो वो क्या हो जाएगा यानी उसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहेंगे और वो जो बैक्टीरिया होंगे वो मतलब और ग्रोथ करवाएंगे और कौन से वाले बैक्टीरिया के अब हार्मफुल वाले बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम दांत को क्लीन करेंगे नहीं यानी हमने खाना खाया खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने कुल्ला नहीं किया या फिर हमने रिंस नहीं किया अपने माउथ को तो उसकी वजह से अब क्या होगा हमारे दांत के अंदर हमारा कुछ फूड मटेरियल जो होगा वो भी फंसा रह जाएगा और जो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया होंगे वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर अब ये जो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया होंगे ये क्या करेंगे जो भी लेफ्ट ओवर फूड जो बच गया है हमारे दांतों के अंदर जो भी है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे यानी इसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए वो इसको क्या करेंगे एसिड रिलीज करते हैं वो तो कोई भी एसिड अगर रिलीज किया जाएगा वो एसिड क्या करेगा हमारे जो टूथ होते हैं उनको वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगा एसिड क्या करेगा डैमेज कर देगा तो हमारे डैमेज होने की वजह से अब क्या होगा हमारा जो दांत होगा वो खराब होने लग जाएगा और जिसको हम क्या कहते हैं टूथ डीके बोलते हैं ठीक है टूथ डिके होना बहुत नॉर्मल हो जाता है अगर आप नॉर्मली अपने दांतों की परवाह नहीं करते या फिर नॉर्मली केयर नहीं करते प्रॉपरली अगर हम इसको टाइम टू टाइम ट्रीट ना करें यानी अगर आपको कभी भी ये चीज लगे कि टूथ डिके होने लग गए अगर ना करें तो कभी कभार क्या होता है सीवियर एक भी होने लग जाता है यानी बहुत तगड़े वाला दर्द भी होता है इसके अंदर जो टीथ एक होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है और क्या हो सकता है यानी एक्सट्रीम लॉस भी हो सकता है एक्सट्रीम केस भी हो सकते हैं इसमें एक्सट्रीमली हमारे जो टूथ होते हैं यानी बहुत सारे दांत एक साथ गिरते गिरते चले जाएं तो वो भी हमारे पास चांसेस हो जाते हैं अगर हम टूथ डीके को स्टार्टिंग में ही ना देखें कि यानी हमारे दांत में दर्द होने लगा है तो तभी के तभी उसका इलाज ना करवाएं तो क्या क्या कॉज कर सकते हैं यानी ज्यादातर चांसेस किसके होते हैं जो टूथ डीके करते हैं वो जैसे हमारे पास क्या होता है चॉकलेट तो अगर आप चॉकलेट खा के सोते हो कोई भी स्वीट खाते हो और फिर अपना माउथ मतलब क्लीन नहीं करते हो या फिर रिंस नहीं करते हो या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप ले रहे हो या फिर कोई भी शुगर का प्रोडक्ट अगर आप यू कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बाद आपको अपना माउथ जो होगा वो रिंस करना बहुत जरूरी है क्लीन करना बहुत जरूरी है अदरवाइज इससे ज्यादा चांसेस होते हैं टूथ डीके के ठीक है अब एक और हमारे पास कंडीशन आती है यानी खाना खाते टाइम आप क्या हो? कई बार क्या होता है बहुत जल्दी में अगर आप खाना खा रहे हो बहुत हरी में हो या फिर आप खाना खाते वक्त बात करे जा रहे हो या फिर आप हंस रहे हो बहुत जोर से आपको एकदम से हंसी आ गई खाना खाते वक्त तो आपको क्या हुआ एक बार कभी कभी बार फील क्या है? कफ होता है कफ़ होता है यानी हमारे क्या है खांसी आ जाती है या फिर हमें हिकअप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर कभी कभी बार तो आपको चोकिंग वाली फीलिंग भी आती है यानी आपका मतलब जैसे दम घुटने वाली फीलिंग भी आ जाती है क्या होता क्या है ये ये सारी सेंसेशन हमें किस लिए आती हैं वो कई बार क्या होता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्टली हमारे फूड पाइप की बजाय हमारे किसके अंदर चले जाते हैं विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं और ये विंड पाइप जो होती है जिसके अंदर जाने की वजह से ही हमें ये सारी फीलिंग आती है यानी वो वापस अगर हम खांसी करेंगे तो वो विंड पाइप से हमारा जो फूड पार्टिकल होगा वो निकल जाएगा अब ये विंड पाइप होती कहाँ है ये बिल्कुल एडजेसेंट होती है जो जहाँ पे हमारे पास फूड पाइप है उसी के जस्ट एडजेसेंट ये यहाँ पे लगी हुई होती है यानी ये हमारे पास क्या है ये हमारी फूड पाइप

तो ये हमारे पास क्या है जैसे अगर हम फूड पाइप की बात करें तो फ़ूड पाइप हमारे खाने के लिए डाइजेशन के लिए तो हमें क्या चाहिए फ़ूड पाइप चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं ईसोफेगस भी बोलते हैं अब ईसोफेगस जो होगा वो कहाँ पे है जैसे हमारे ईसोफेगस का काम क्या है ये हमारे पास ये हमारा खाना है या फिर हम इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर से हमारे पास ये है हमारा ईसोफैगस यानी इसके अंदर भी क्या होती है मसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती हैं जिसकी वजह से हमारा खाना जो होता है वो आगे जा पाता है यानी ये हमारे पास क्या है फूड पार्टिकल्स हैं ये हमारा फूड है जो कि हम एक एक करके जो निवाला निगलते हैं तो ये एक निवाला है जो कि आपको ऐसा दिख रहा होगा और ये हमारे पास पूरा क्या है ईसोफेगस है ठीक है और ये हमारे पास क्या है स्टमक है तो हमारे जो माउथ होता है माउथ से स्टमक को कनेक्ट कौन करता है वो करता है इसोफेगस ठीक है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमारे नेक वाले एरिया में और हमारे जो चेस्ट वाले एरिया होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है जो इसोफेगस पाया जाता है इसका मेन काम क्या होता है सिर्फ पुश करना जो भी हमने खाना खाया है उसको वॉल्स के साथ पुश करते हुए नीचे तक लेके जाना यानी ये धीरे धीरे सरकता रहेगा नीचे लेके जाएगा और नीचे जाके कहा जाएगा ये सीधा फूड को कहाँ छोड़ देगा स्टमक के अंदर छोड़ देगा यानी इसके अंदर हमारा कोई डाइजेशन नहीं होता मेन काम इसका इसोफेगस का यही होता है कि माउथ से हमारा जो खाना है वो कहाँ पे ले आओ स्टमक के अंदर ले आओ डायजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है गाइज ये चीज आपको पता होनी चाहिए यानी हमारा डाइजेशन कैसे जो सलाई

तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है इसके बाद का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हम सेकेंड पार्ट में लेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है इसको पूरे को कवर करना उसकी डिटेल्स जो होंगी वो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे अगर हम दूसरे एक और वीडियो बनाते हैं तो इसको अब आप बाकी चीज़ आप पार्ट टू के अंदर देखना बाकी चीज़ को भी एक्सप्लेन किया हुआ है तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो